सर चार दिन के बाद ये सीपीओ रिवॉल्विंग करना तो बहुत बड़ी बात है, जो नए स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजिंग है। और वो एज ए टेलीकॉम सर ने ऐसे ट्रिक दिया है, वो चार दिन के बाद पावर ऐसी निकल के रिवॉल्व करके 28 नवंबर की बैच कौन कौन लाइव है? हम सर। क्या क्या क्लास थी आज हमारी? अच्छा, बोर्ड में कोई सी ऐसी आईसी छोड़ी जो बाकी है? सीपीयू भी निकला, यूएमसी भी निकला, पावर भी निकला। तो जैसा 26 तारीख को आप आए थे और आपकी काउंसलिंग की थी कि सर यहाँ पर ऐसा कोई सा बंदा नहीं बाकी होगा जो आईसी निकाल के सीपीयू एक बार दो बार या तीन बार निकाल के लगाएगा नहीं, तो कौन बाकी है यहाँ पर? कोई भी बाकी नहीं है। तो मतलब मैं जो फीस लेके आया था वो वापस ले जाऊं? ले जाऊं वापस? बैग में रख के ले जाऊं? मैं आपको देने लाया था, अगर कोई गलती से बच जाता तो उसकी फीस रिटर्न करना पड़ेगी मेरे को, इसलिए मैं एक दो की फीस साथ में लेके आया था। तो वापस ले जाऊं मैं? यस सर। कि चाहिए किसी को? नहीं सर। नहीं चाहिए? नो सर। तो ये बताइए आज ईमानदारी से दिल भर के दिन भर तक सीपीयू किसने किसने लगाया है? हमने सर। सब लोग सबने लगाया? यस सर। तो एक फाइनल ट्रिक है आपके पास? यस सर। अगर मैं बात करूं, देखो पेस्टेड नहीं हुआ तुम्हारा, डबल टेकर भी नहीं हुआ है। अगर मैं नॉर्मल सीपीयू की बात करूं, कौन सी सीपीयू की? नॉर्मल सीपीयू की बात करूं मैं, यस सर, तो कोई सा भी अगर नॉर्मल सीपीयू आता तो आप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते? यस सर। लगा सकते हो? यस सर। कौन कौन लगा सकता है? सब लगा सकते हैं? यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा नवीन, नवीन तो क्या लेवल की ट्रिक मिली है आपको आज? बहुत अच्छा सर रहा क्लास आज का। आज ईमानदारी से बताओ सीपीयू कितनी बार लगाया? सीपीयू सर तीन बार हम लगाए। आपने सीपीयू कितनी बार लगाया? दो बार लगाया सर। आपने कितनी बार? दो बार। आपने कितनी बार लगाया? तीन बार सर। आपने? चार। आपने? पांच बार। आपने? आपने इधर? आपने? तीन बार सर। आपने? तीन बार सर। चार। तीन बार सर। कितनी बार? दो बार। आपने सर? आपने? तीन बार। आपने? चार बार सर। आपने इधर? आपने वाल्मीकि? चार बार सर। आपने? दो बार। इधर इमरान? पांच बार सर। और उधर कौन है सर? इधर कौन है? थोड़ा आगे आओ। इधर बीती कितनी बार लगाया? पांच बार सर। आपने? दो बार सर। ललित? दो बार सर। इधर बापी? दो बार सर। मजा आया? यस सर, मजा आया। तो क्या बोलेंगे देव सर और उनके टीम के लिए? थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा एक आपसे मैं बात करना चाहूंगा। यस सर। तो कैसा मजमा रहा आज आपका 4G का, आपको कैसा लगा, करके अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपसे पूछना चाहूंगा। आज 4G का सीपीओ के साथ में एएमसी रिवॉल्विंग करके वापस डेड फोन से चालू किया, फिर डेड किया, फिर चालू किया, मिनिमम तीन बार किया। वो फर्स्ट टाइम लाइफ में जो मैं फ्रेशर हूँ, जो सर ने जो ट्रिक दिया वो उसको अप्लाई करने से दो ज़्यादा से ज़्यादा दो मिनट में सीपीओ रिवॉल्विंग होता है सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ गुजरात से शंकर हैं। शंकर बताइए। सर आज मैंने सीपीयू ऐसे निकाल के रिवॉल्व किया, चालू फोन था, पहले डेट किया, फिर उसके बाद चालू किया सीपीयू लगा के, और ईएमएमसी भी चेंज किया। और ये जो यहाँ का ट्रिक है सर, लोग जो समझाते हैं उस तरीके से फॉलो करता है, तो 100% 10 मिनट का काम है सीपीयू लगाना। अच्छा ये बताइए, देखो मैं एक आप सबका रिव्यू नहीं ले सकता क्योंकि पर्सनल आपके वीडियो बने, एक एक का पर्सनल सबके वीडियो बने ना? यस सर। ठीक है, चलिए मैं लास्ट में उधर आखिरी में पंजाब से है, उनसे पूछना चाहूंगा। सुनील, आज बोर्ड पे कोई सी ऐसी आईसी बची है जिसपे आपने काम नहीं किया? नहीं सर, सारी आईसी सभी पे किया। सभी पे किया? सभी पे। स्वास्थ्य तुम्हारा गड़बड़ है थोड़ा सा? हाँ सर, आज थोड़ा सा ना गला खराब है और सर दर्द हो रही है, इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम है। तो इधर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आशीष थोड़ा आगे आइए, मिंटू थोड़ा आगे आइए। मिंटू कैसा रहा है? सर पहली बार तो सर चालू बोर्ड था, निकाल के दो तीन बार लगाया सर, एकदम पूरा एक बार में लगा थे, मतलब लगा लिए थे जी। और सर बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए, जो भी स्टूडेंट है कहीं भी अभी सीखने के लिए जाते हैं तो मास्टर का मतलब जो सिखा दे वो थोड़ा सा भी मतलब गुस्से वाला होता है, लेकिन सर जितनी बार जाते हैं पूछते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर कोई भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ से मतलब एशिया टेलीकॉम से निर्भर मतलब आ सकते हैं सर। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या बोलना चाहेंगे नेपाल से? काफी कुछ सीखने को मिला। काफी कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा? अच्छा लगा। खुश हो? यस सर। खुश हो? यस सर। खुश हो? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।
हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। स्टूडेंट नाम बताइए अपना। ये मेरा नाम सोनू है, मैं बिहार से हूँ सर। कहाँ से हो आप सोनू? बिहार से। बिहार से तो सोनू आज मॉर्निंग क्लास है, क्या करने जा रहे हो आप? सर ये ऑन सेट है 6A फोन, इसका सीपीयू निकाल के ये सर वापस लगा के वापस लगाओगे चालू करेंगे। ऑन सेट है, थोड़ा सा बताइए इसको। ये ऑन सेट है सोनू जी। तो इसके पहले ये काम किया था आपने, सीपीयू कितनी बार लगाया आपने? अभी इसकी जो आपकी सीपीयू की क्लास थी उसमें कितनी बार सीपीयू लगाया? 3 से 4 बार लगाया। 3 से 4 बार लगाया तो अभी वो वापिस लगा सकते हो आप? यस सर। तो देख सकते हैं जैसे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 10:15 और ये कर रहे हैं 4G सीपीयू, लाइव 4G सीपीयू कर रहे हो? यस सर। लाइव आपको कैच करूंगा इसके ऊपर मैं। यस सर। तो सोनू इसके पहले जब घर पे थे आप, यहाँ जब बिहार से जबलपुर आए थे, तो इसके पहले ये सब काम कर पाते थे आप? नहीं सर। नहीं कर पाते थे? तो एशिया टेलीकॉम ने वो नॉलेज दिया, सीपीयू लेवल पे काम कर रहे हो? यस सर। तो आपको तो चार पांच दिन ही हुए, चौथे दिन आपसे सीपीयू करवा लिया था ना? जी सर। अच्छा तो भी ऑन सेट से? ऑन सेट से करवाया था। तो ये भी ऑन सेट है? जी सर। ये भी ऑन सेट है। इसका सीपीयू निकालोगे? जी सर। इसका सीपीयू लगाओगे? जी सर। चलिए देखते हैं, ठीक है हम आपको लाइव देखते हैं अभी, है ना? आप क्या कर रहे हैं? ठीक है चलिए, ऑल द बेस्ट। सोनू आप काम भी करते जाइए, इधर मेरे से बात भी करते जाइए, आप काम करते जाइए। तो सोनू ये बताओ, आपको जब यहाँ जबलपुर आए थे तो आपको गारंटी थी कि नहीं थी? काम करते जाओ अपना। जी सर। गारंटी थी जी पैसे रिटर्न की? जी पहले ही आपने बोल दिया था। हाँ कि अगर चार दिन में अगर तुमको ऐसे नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम अपना पैसा रिटर्न ले जा सकते हो। पैसा रिटर्न ले जा सकते हो तो वो बात रखी थी आपके सामने? जी सर। हर दिन पूछा जा रहा था। हर दिन पूछा जा रहा था जी। सुनो कंपोनेंट का नॉलेज आया आपको? यस सर। है लाइनों का नॉलेज आया जी, है ना? एक आईसी कैसे काम करती है उसका नॉलेज आया? जी सर। नॉलेज आया आपको जी। और बेट आईडी बेट थर्म का नॉलेज कैसा रहा आपको? बहुत बढ़िया रहा सर। और आपको कल क्लास थी आपकी रिंगर की, है ना? मतलब वीबेट की क्लास, सॉरी कल आपकी थी आरडीओ की क्लास थी आपकी, स्मार्ट पीए नॉर्मल पीए पूरा समझ में आया कि नहीं आया आपको? जी सर। सीपीयू पे सेट करो, सीपीयू पे लगाओ। देखो उसमें, देखो माइक्रोसॉफ्ट में क्लियर नहीं दिख रहा। तो चलिए आप बनी रहिए लाइव पे। Protect your soul. We are heroes.
to listen, I need you to hear, and don't show. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see. तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, किसी कारण से मेरा नेट बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है, यहाँ पर नेट का कोई इश्यू था, ये ब्रॉडबैंड देख रहा है, थोड़ा सा समय से धोखा दे गया. तो अभी आपने क्या कर लिया है यहाँ पर? रिवोल्व कर लिया है. रिवोल्व करने के बाद फिक्स करेंगे. जनता पूरा इंतजार कर रही है भाई आपका, है ना. जनता देखना चाहती है कि आप काम कैसा कर रहे हैं, चौथे दिन कैसा सीपीयू निकाल के लगा रहे हैं. ये नकली मोबाइल तो नहीं है 2G? हेलो, 4G मोबाइल है. दो जने इधर आ जाओ, दो जने इधर खड़े हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ, खड़े हो. तो आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. तो एशिया टेलीकॉम मतलब क्या है? मतलब वाकई में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि नहीं है? यस सर. मतलब जबरदस्ती का रिव्यू मत दो, जो आपने फील करा है. आओ इधर आओ, थोड़ा सा अपना परिचय दो, कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से हूँ सर. शंकर नाम है मेरा. शंकर नाम है, आप गुजरात से हैं जी. आप थोड़ा सा अपना परिचय दो. मेरा नाम वाल्मीकि, मैं ओडिशा से हूँ सर. मेरा नाम आशिक है सर, मैं बिलोंग करता हूँ कश्मीर से. सर मेरा नाम सचिन है और मैं महाराष्ट्र से आया. अच्छा, हेलो. तो आप सब लोग अलग अलग, अभी एक महाराष्ट्र से आए, कश्मीर से आए, उड़ीसा से आए, आप गुजरात से आए, तो सब अलग अलग स्टेट से आए. और बाकी स्टूडेंट कहाँ है अभी? अभी क्या टाइम है अभी तुम्हारा? लंच का? लंच का टाइम है. आप जल्दी कैसे आ गए? हमारा लंच हो गया. आपका लंच हो गया, आप जल्दी आ गए. तो आप जीने के वेस्ट करना नहीं, तो आप जीने के लिए खाते हो. तो ये बताइए मेरे को कि अभी तक कोई ऐसा बंदा बच्चा है जिसने पावर नहीं लगाया, 4G CPU नहीं लगाया? सबने लगाया, सबने लगाया. और आपकी लाइनों की परसों से क्लास स्टार्ट हुई है ना. शुरुआत करी है हमने बैटरी कनेक्टर से, शुरुआत करी है जिसमें आईडी और थर्मल की लाइन होती है. तो आपके दोनों सब्जेक्ट क्लियर है और आपको एंडलेस नॉलेज मिला. एंडलेस नॉलेज मिला. कल आपका रिंगर वो था, आपका ऑडियो सेक्शन था. ऑडियो सेक्शन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा. तो क्या लेवल है एशिया टेलीकॉम का? मतलब एंड तक आप जाते हैं? कल ईमानदारी से बताइए कितनी बजे गए आप यहाँ से? मतलब एंड जाते जाते हॉस्टल जाते जाते क्या समय हो गया हुआ? तकरीबन 12:15 बारह बज गए थे. मतलब तारीखें बदल जाती है. तुम कितनी तारीख को आते हो यहाँ पे? जैसे आज 4 तारीख को है तो घर पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा? 5 तारीख हो जाएगी. तो देखो ये आपको सब देख रहे होंगे ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार ये तो क्या कर रहे हैं, मतलब एक मजाक कर रहे हैं, जबरदस्ती का रिव्यू उठा रहे हैं, है ना. अब रीजन क्या है कि जो दूसरे लोगों ने इसको रिव्यू को बहुत बिगाड़ दिया है, यहाँ पर सिस्टम को बिगाड़ दिया, तो इनको क्या होता है कि व्यूअर्स को हम सही चीज भी दिखाते हैं, सही चीज भी दिखाते हैं तो फेक दिखती है इनको. फेक आंटी सर, हम हर रोज तो लाइव आते हैं, उनको पता चलना चाहिए फेक नहीं है. अच्छा, एक एशिया टेलीकॉम के अलावा आज तक आपने कभी दूसरा इंस्टीट्यूट देखा जो इतना लाइव आता है? अपनी क्लासेस को इतना लाइव लाता है? कौन अपनी क्लासेस को इतना लाइव लाता है? कौन लाता है? कौन इंसान ला सकता है अपनी क्लासेस को लाइव? जो परफेक्ट काम करता है सर वो ही काम करेगा, जहाँ नॉलेज मिलती हो वही. जो इतना परफेक्ट काम करेगा, इतना टाइम जो काम करेगा वही लाइव इतना आ सकता है. अपने काम में सच्चाई होगी, ट्रूथ होगा, जो बोलता होगा वो करके दिखाता होगा, तो ही आ सकता है लाइव. अदरवाइज ऐसा कोई भी लाइव नहीं आ सकता है. और जो मेरे दिसंबर में बच्चे, मेरी बैचेस आने वाली है, उनके लिए क्या क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? आप आए एक बार और यहाँ चक्कर के जाए. नहीं वो तो खैर आ ही रहे हैं. आप संदेश क्या देना है, क्या क्या तैयारी करके लाना चाहिए, कितने घंटे का स्टेमिना होना चाहिए उनमें? उनके पास 15 घंटे की स्टेमिना होना चाहिए, सहने की शक्ति हो. अच्छा, वही यहाँ टाइम पास वाले यहाँ ना आए? टाइम पास वाले ना यहाँ पे नहीं आए? इसके पास सीखने का जुनून है वो ही आ सका हो. तो हमारा प्रोटोकॉल है पहले दिन से, 3 चीज होना चाहिए, एक फोकस, दूसरा खाली गिलास और तीसरा जोश. तो जोश रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा रहता है भाई,
एक आर्मी वाला प्रोटोकॉल रहता है यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट दिखेंगे आपको, बिल्कुल एक भी ढीला नहीं दिखेगा आपको। तो ये देख सकते हैं हम, इनका पूरा का पूरा रिवॉल्व हो चुका है। बैंड करना जरा, हाँ एक बार मेल्ट हो गया। चलो ठीक है सर, लाइव कर सकते, करना पड़ेगा, लगा दो स्टेंसिल रख दो उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं सर, ये ट्रेनिंग बेस पे हैं, गलती है, होती है इनसे। पेस्ट फ्लेक्स लगा हुआ है, फ्लेक्स नहीं है, वो बॉल मेल्ट, बॉल चिपक गया, मेल्ट हो गया उधर कोने पे, देखो एक बॉल मेल्ट हो गया है उसमें। स्कोप में देखो, मैं देखो स्कोप ले दे, कोई बात नहीं, आप स्टेंसिल रख लो, चिपक गया आप स्टेंसिल रख लो उसके ऊपर, स्टेंसिल रख के हिट मार लो बेटा उस पर, कुछ मत करो, स्टेंसिल रख लो उस पर, रखो स्टेंसिल, हाँ बस ऐसी किसी, हाँ थीना डाल लो पहले उसके ऊपर, आपको चमकेगी नहीं तो बोलो। चार दिन में सर, तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप सर? चार दिन के बाद ये सीपीओ रिवॉल्विंग करना तो बहुत बड़ी बात है, जो नए स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजिंग है, और वो एज ए टेलीकॉम सर ने ऐसे ट्रिक दिया है, वो चार दिन के बाद पावर ऐसी निकल के रिवॉल्व करके होता है, तो सभी के दिमाग में जो अच्छी तरह घुस जाए ऐसी बात पता करता खुलाते हैं। तो ठीक है, हम वैसे फिर से डबल से वापस लाइव आ रहे हैं, है ना, डबल से वापस कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आशिक, यस सर, जब तुम पहली बार एशिया टेलीकॉम आए थे, क्या आपको कंपोनेंट का नॉलेज था क्या? नो सर, कुछ भी मना लेने, क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है? नो सर, कुछ भी, एक रजिस्टर क्यों लगा है इसका नॉलेज था क्या? नो सर आपको नॉलेज था क्या? नो सर। तो आज कंपोनेंट आपका पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर, आप सर्किट को समझ रहे हैं, सर्किट को, अच्छा सर्किट को कौन कौन ड्राइंग कर पा रहा है, ड्राइंग कौन कौन कर पा रहा है? हम सब कर पा रहे हैं, देखो ये समझ के ही कर पा रहे हो सर आप, है ना, बिना समझे आप कोई चीज को ड्राइंग नहीं कर सकते, जब तक एक आपको रास्ता नहीं मालूम होगा जब तक आप उस चीज को ड्राइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको हो गया रास्ता मालूम, आपको तरीका मालूम हो गया, सीरीज में कैपेसिटर कैसा लगा है, पैरेलल में कैसे लगा है, रजिस्टर का पैरेलल में क्या काम है, सीरीज में क्या काम है, नीचे का है ना, ऊपर से सचिन, तुम महाराष्ट्र से हो, कितने टाइम से काम कर रहे थे? सर मैं 2 साल से काम कर रहा था सर। 2 साल से काम कर रहे थे, तो 2 साल का अनुभव और 4 दिन का अनुभव, बहुत फर्क है सर 2 साल में और 4 दिन में, क्योंकि मैं पहले दुकान में मेरे चार्जिंग जैक, फोल्डर चेंज, ये वगैरह छोटे छोटे काम करता था, ये आईसी लेवल कभी काम नहीं किया सर, आईसी लेवल कभी नहीं किया। अच्छा, कंपोनेंट को इतना डीप से समझे थे आप? कंपोनेंट में देख के ही मैं घबरा जाता था कि वो क्या है अंदर, क्या फॉल्ट है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता। अभी पहचान, जैसे मोबाइल की पीसीबी देखी ना, तो पहचानने से बहुत ऐसा इजीली हो जाता सर, कंपोनेंट की जानकारी है। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है विक्की, थोड़ा सा सामने आएंगे, बार-बार तो देख रहे हैं। तो वाल्मीकि, आप जब यहाँ एशिया टेलीकॉम नहीं आए थे, उसके पहले क्या कर रहे थे आप? सर मैं तो जस्ट थोड़ा बहुत जो बैटरी लगा के थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा था। अच्छा सर, और मुझे बिल्कुल जब बोर्ड देखने के बाद पता नहीं चलता था कि क्या है, सब एक जैसा ही दिख रहा था, एक जैसा दिख रहा था सब, तो मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था, तो मैं बंद करके वापस रख देता था। अच्छा। तो अभी एशिया टेलीकॉम आने के बाद मुझे पता चला एक्चुअली रजिस्टर कैसे होते हैं, कैपेसिटर कैसे होते हैं, डायोड कैसे होते हैं, कैसे लगा रहते हैं, मुझे लाइनों का याद नहीं था, वो लाइन में क्या था, सब लाइन तो एक ही जैसे रहते, तो उसे मुझे ऐसे लग रहा था कि सब लाइन ये सब एक ही जैसा दिख रहा था अभी, लेकिन हर एक कंपोनेंट्स को देखने के बाद फटक से पता चलता है, नहीं ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये डायोड है, ये मॉस्फेट है, ये आईसी है, हर चीज का एक देखने के बाद 2 मिनट में देखते ही समझ जाता हूँ कि नहीं ये पैरेलल में लगा है या सीरीज में लगा है, और अभी तो वो वर्ड भी नहीं सुना, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या, तो वो वर्ड नहीं सुना, इधर आने के बाद मुझे वो सुनने को मिला और खुद आंखों में देखने को मिला, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। तो अभी तो आपका शुरुआत हुई है, उसको हम शुरुआत ही बोल सकते हैं, अभी तो आपके पास काफी समय है, काफी एक्सपीरियंस लेने का समय है। यस सर, यस सर, जरूर। हाँ,
काफी एक्सपीरियंस लेने का समय है आपके पास, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ अभी होने वाली है। आपके साथ पूरा इंजीनियरिंग पढ़ाया, अभी हार्डवेयर पढ़ाया, डेड सेक्शन पढ़ाया। डेड सेक्शन सर हमारी गारंटी है, जैसे हमने बोला ना, चौथे दिन आपसे सीपीयू लगवा लेंगे, तीसरे दिन पावर लगवा लेंगे, और दुनिया का कोई सा भी आईसी है वो आपसे रिवॉल्व करवा लेंगे। आपसे क्या करवा लेंगे? रिवॉल्व करवा लेंगे दूसरे दिन, डबल डेकर रिवॉल्व किया था। तो वैसे ही हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप जब आपका डेड सेक्शन होगा, डेड सेक्शन होगा देव सर के साथ आपका, है ना, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आप 20 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, आप 20 मिनट में डायग्नोस करके बता देंगे कि कौन सा फॉल्ट है, कौन सी आईसी खराब है। यस सर, बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, डायग्नोस का पूरा रिजल्ट होगा, पर बाकी शर्त यह है कि सिद्धस्थ सारे सेक्शन अभी आपको अटेंड करना होगा, yes, है ना। yes, कल आपको इनकमिंग आप, मतलब आपका इन वोल्टेज कौन सा होता है, आउट वोल्टेज कौन सा है, कल आपको मालूम पड़ा, yes, yes, sir. है ना। yes, अब खाली मल्टीमीटर से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी आईसी क्या काम कर रही है और कितना इन आ रहा है और कितना आउट आ रहा है। क्या हुआ? कर चालू अभी भी बड़ी लगा, ठंडा के लिए उठ रहा है मुझे ज़्यादा। सर और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ बहुत एक इंस्पिरेशन लगा कि सर का जो बोला दुकान पे, अगर आप एक दुकान दे रहे हैं कोई भी सेट दुकान से रिटर्न नहीं जाना चाहिए, वो सबसे इंप्रेशन किया कि अगर आता है तो आजकल बहुत सारे मोबाइल रिटर्न दे रहे हैं और मैंने खुद दूसरे दुकान पे जाके मोबाइल रिटर्न लेके आया हूँ, तो मुझे ये लगा कि सही जगह सही तरीका क्या है, तो वो जानना है यार, डीपली वो चीज़ को समझना है। सो यहाँ पे इन्होंने सीपीयू लगा लिया है और चलिए देखते हैं इनका फोन चला रहा है कि नहीं। तो जैसा देख सकते हैं आप, ये पूरा मोबाइल चालू हो गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे आप? खड़े होइए थोड़ा सा, खड़े होकर बताइए। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? हाथ को उठाइए मोबाइल को, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि सर मतलब ऐसा प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। टी सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डुअल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू, डबल डेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने, आप मेरे साथ जिन्हें आज क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर, ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट